अगर आपके लोकैलिटी में भी कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है तो आपके पास जवाब देने के दो तरीके हैं। पहला, फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रहे। और दूसरा, चलो सबके साथ डिस्कस करके इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकालते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि कोई भी ग्लोबल इशू का सोल्यूशन निकालने के लिए अगर हम कोई भी एक कॉन्फ्रेंस करते हैं, कुछ पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसको हम मन कहते हैं। तो अगर ये फाइनेंशियल क्राइसिस आपका ना हो के पूरे देश का हो और इसका संबंध बाकी दूसरे देशों से भी हो, यानी कि एक इंटरनेशनली कोई भी प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कौन निकालता है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ को ही देवता मान के ये मॉडल यूनाइटेड नेशंस MUN बना है। तो इसमें आपका काम होता है कि आपको कोई भी एक प्रॉब्लम दिया जाता है और आप किसी भी एक कंट्री का डेलीगेट बनके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं बाकी दूसरे डेलीगेट्स के साथ मिलकर। सो आज के इस वीडियो में मन के कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे, मन में कैसे पार्टिसिपेशन करना है और मन में क्या क्या प्रोसीडियर्स होते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। मन के किन किन टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम आज डिस्क्राइब करने वाले हैं, उन टर्म्स का लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। इन टर्म्स के बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे और इन टर्म्स का डिस्क्रिप्शन भी जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। सो आपके पास टाइम कम है तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी उन टर्म्स के बारे में जान सकते हैं, लेकिन वीडियो देखने से आपको पूरा और अच्छे से डिटेल्स क्लैरिफाई होगा। सो इफ यू हैव टाइम, वॉच द फुल वीडियो। तो जैसे ही आपके स्कूल या कॉलेज से ऑनलाइन क्लास शुरू होने से पहले अटेंडेंस लिया जाता है, वैसे भी मन में भी कौन कौन इंटरेक्ट कर रहा है ये जानने के लिए अटेंडेंस लिया जाता है। और मन में सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि मन में कभी भी आपका नाम नहीं लिया जाएगा। आप जिस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मन में पूरे सेशन में आपको उस कंट्री के नाम से ही बुलाया जाएगा। आपको डेलीगेट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री इस तरह के ही बुलाया जाएगा कि डेलीगेट ऑफ USA, डेलीगेट ऑफ इंडिया, डेलीगेट ऑफ चाइना, आपको इस तरह के बुलाया जाएगा। आपको उसी हिसाब से आपका रोल कॉल देना है, पूरे सेशन में इंटरेक्ट करना है। सो जस्ट रिमेंबर दैट यू विल बी कॉल्ड एज डेलीगेट ऑफ XYZ कंट्री एंड नॉट बाय योर पर्टिकुलर नेम। सो मन में सबसे पहले रोल कॉल होता है, आपको डेलीगेट ऑफ दिस कंट्री का ही आपका अटेंडेंस लिया जाएगा और आपको उसी हिसाब से अटेंडेंस देना है। आप दो तरीके से अपना अटेंडेंस दे सकते हैं, पहला प्रेजेंट, दूसरा प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब इन दोनों में फर्क क्या है? अगर आप प्रेजेंट एंड वोटिंग कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अपने सेशन के आखिर में जो वोटिंग होगा, जो भी एक बिल पास होने के समय जो वोट होता है उस पर आप वोट करेंगे। और प्रेजेंट का मतलब होता है कि आप अभी इस वोटिंग करने से एब्सटेंड कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड यू कैन चूज टू आइदर वोट और नॉट वोट। प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब है कि आपको वोट करना ही होगा एट द एंड, और सिर्फ प्रेजेंट का मतलब है कि आप आखिर में चूज कर सकते हैं वोटिंग करना है या फिर नहीं करना है। मन का सबसे पहला मोशन, मोशन टू सेट द एजेंडा। रोल कॉल के इमीडिएटली बाद पूछा जाएगा आर देयर एनी मोशंस ऑन द फ्लोर, तो इसके रिप्लाई में आपको देना है आर देयर एनी मोशंस ऑन द फ्लोर। डेलीगेट ऑफ USA, यू हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड, टू व्हाट पॉइंट यू राइज? मोशन टू सेट द एजेंडा सर। ग्रांटेड डेलीगेट, सो व्हाट वुड यू लाइक टू सेट द एजेंडा फॉर टुडेज सेशन? To discuss the rising COVID-19 situations in the world, sir. So, basically, एक formal तरीका है एक topic set करने का, लेकिन जो agenda रहता है वो पहले से ही discuss किया हुआ रहता है। So, जो पहले से decide किया हुआ topic है वो आपको एक और बार दोहराना पड़ता है just formality के लिए। Now comes the general speakers list. So, what is the speakers list? So, speakers list is basically the list of delegates who will be speaking for the country. जो जो delegates अपने countries को represent करके बोलने वाले हैं उन लोगों का लिस्ट ही स्पीकर्स लिस्ट कहलाता है। यहाँ पर आप अपने कंट्री का नाम रजिस्टर कर सकते हैं और जब आपके कंट्री का नाम आपके हेड टेबल से बुलाया जाएगा तब आप खड़े होकर अपना स्पीच दे सकते हैं। इन जिस भी टॉपिक पर आप स्पीच दे रहे हैं उस टॉपिक को स्पीच देते वक्त आपको ये याद रखना चाहिए कि आप उस कंट्री के डेलीगेट है, सो यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कंट्री। सो जितना भी टाइम आपको अलॉट किया हुआ रहेगा उस टाइम के अंदर आपको अपने कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से उस टॉपिक को डिस्कस करना है। किसी भी डेलीगेट के स्पीच खत्म हो जाने के बाद अगर आपको लगे कि उसने किसी पॉइंट्स को क्लैरिफाई नहीं किया है या फिर आप उसको क्वेश्चन करना चाहते हैं या फिर उसने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, सो व्हेन यू वांट टू आस्क द डेलीगेट अ फ्लोर ऑफ क्वेश्चन देन यू रेज द पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। और हेड टेबल के रिकॉग्नाइज करने के बाद आप उस डेलीगेट को कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन याद रखना कि आपका पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन शॉर्ट और स्वीट होना चाहिए। सो पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन रेज होने के बाद वो डेलीगेट आपके क्वेश्चन का आंसर देता है और उस आंसर के खत्म हो जाने के बाद अगर आपको लगे
कि अब फिर से आपको कोई क्वेश्चन पूछने की जरूरत है या फिर आप आंसर के ऊपर कोई भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना चाहते हैं, सो यू रेज रिक्वेस्ट टू फॉलो अप, मीन्स दैट यू आर फॉलोइंग अप द क्वेश्चन। और याद रहे कि जो भी आपका फॉलो अप क्वेश्चन है वो आपके पिछले पूछे हुए क्वेश्चन से रेफरेंस में होना चाहिए। राइट टू रिप्लाई, अगर आपको लगे किसी भी डेलीगेट ने किसी भी तरह कोई एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया है या रॉन्ग फैक्ट दिया है, तब आप राइट टू रिप्लाई रेज करते हैं। राइट टू रिप्लाई का मतलब है कि आप अपने हाउस के बेनिफिट के लिए उस फैक्ट को सुधारना चाहते हैं। राइट टू रिप्लाई एक और पर्पस में यूज होता है कि अगर आपके किसी भी डेलीगेट ने आपके कंट्री के सोवरेनिटी को किसी भी तरह से हैम्पर किया है, किसी भी तरह से इंसल्ट किया है, तब भी आप राइट टू रिप्लाई रेज कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ पार्लियामेंट्री इंक्वायरी, दिस सेंस टू आस्क द हेड टेबल ए क्वेश्चन व्हिच इज रिलेटेड टू द हाउस। मतलब आपको मीटिंग के बारे में कोई भी जनरल क्वेश्चन करना है कि मीटिंग के आगे क्या होने वाला है या फिर क्या मीटिंग में मॉडरेटेड कॉकस टॉपिक्स अलाउड है, तो ये सब क्वेश्चन आप हेड टेबल कर सकते हैं पॉइंट ऑफ पार्लियामेंट्री इंक्वायरी के थ्रू। पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज, ये क्या होता है? सो पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज बेसिकली होता है कि अगर आपको कोई भी पर्सनल कंफर्ट चाहिए, जैसे कि अगर आपको लगे कि एसी बहुत ज्यादा चल रहा है इसलिए एसी को स्पीड थोड़ा कम करना है, सो आप पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज यूज करके वॉशरूम जाने के लिए या फिर एयर कंडीशनर स्पीड कम करने के लिए या फिर और भी कोई पर्सनल कंफर्ट के लिए पूछ सकते हैं। मॉडरेटेड कॉकस टॉपिक्स, ये बेसिकली एक सब टॉपिक के जैसा होता है जो कि मेन टॉपिक से थोड़ा अलग होता है लेकिन मेन टॉपिक के रिलेटेड होता है, ठीक है? तो जैसे कि मान लिया कोई दो देशों में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और आप मॉडरेटेड कॉकस टॉपिक्स में रेस किए कि किसी भी एक थर्ड नेशन का उस दोनों नेशन के कॉन्फ्लिक्ट में क्या रोल है। सो मान लीजिए कि अमेरिका और इटली के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट है जो कि हाउस का मेन टॉपिक है, सो यू कैन रेस मॉडरेटेड कॉकस टॉपिक्स लाइक रोल ऑफ ब्रिटेन इन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अमेरिका एंड इटली, आप ऐसा टॉपिक रेस कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए ये टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग, सो यू कैन आस्क मॉडरेटेड कॉकस टॉपिक्स लाइक रोल ऑफ चाइना इन द इंक्रीजिंग पॉल्यूशन दैट कॉजेस ग्लोबल वार्मिंग, आप इस तरह के मॉडरेटेड टॉपिक्स हाउस में रेस कर सकते हैं। बट वन पॉइंट, मॉडरेटेड टॉपिक्स में आप कोई भी पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आस्क नहीं कर सकते। मॉडरेटेड कॉकस टॉपिक क्योंकि एक मेन टॉपिक नहीं है इसलिए इसके ऊपर कोई भी पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन रेज नहीं किया जा सकता। नाउ अनमॉडरेटेड कॉकस, मुझे पता है कि व्हाट यू आर थिंकिंग कि क्योंकि मॉडरेटेड कॉकस टॉपिक्स का मतलब सब टॉपिक था जो टॉपिक के रिलेटेड है, तो तुम लोग सोच रहे होगे कि अनमॉडरेटेड कॉकस टॉपिक्स का मतलब है कि कोई भी एक टॉपिक जो कि मेन टॉपिक से एकदम अलग हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अनमॉडरेटेड कॉकस का मतलब होता है एक सिंपल ब्रेक। सो नाउ देयर विल बी वोटिंग दैट वेदर एवरीवन वांट्स टू गो फॉर अनमॉडरेटेड कॉकस और नॉट। नाउ इफ एवरीवन वोट्स फॉर यस और एवरीवन वांट टू गो फॉर अनमॉडरेटेड कॉकस, देन दैट अनमॉडरेटेड कॉकस इज नाउ इनटू द फ्लोर और फिर ब्रेक मिल जाता है। सो नाउ इस अनमॉडरेट कॉकस में आप बाकी दूसरे डेलीगेट्स के साथ मिलकर एक स्मॉल स्मॉल ग्रुप बनाते हैं और आप अपने कंट्रीज का व्यूज, कंट्रीज का पॉइंट्स रखकर सारे कंबाइंड होकर एक पॉइंट सामने लाएंगे। नाउ लास्ट में आता है रिजोल्यूशन। सो व्हाट आर रिजोल्यूशंस? सो रिजोल्यूशंस आर बेसिकली अनऑफिशियल फ्रेम्ड पॉइंट्स दैट आर टू बी इंप्लीमेंटेड। मतलब अनमॉडरेटेड कॉकस के समय में आपने दूसरे कंट्रीज के साथ डेलीगेट्स के साथ मिलकर जो भी डिस्कस किया है वो आप किसी भी एक पेपर में फ्रेम करते हैं डिजिटली या फिर ट्रेडिशनली, एंड देन इट बिकम ए रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन इज बेसिकली स्पॉन्सर्ड बाय डेलीगेट ऑफ ए कंट्री एंड इज को-स्पॉन्सर्ड बाय अदर डेलीगेट्स। बेसिकली देयर आर टू और थ्री रिजोल्यूशंस एट द एंड, उसके बाद यू रेज ए मोशन टू ओपन द रिजोल्यूशन फॉर डिबेट। नाउ द रिजोल्यूशन इज ओपन फॉर डिबेट, उसके बाद आपको फ्लोर को ऑब्टेन करके आपके रिजोल्यूशन में जो जो पॉइंट्स है उसको एस्टेब्लिश करना पड़ता है, उसको डिस्क्राइब करना पड़ता है पूरे हाउस के सामने, और फिर बाकी दूसरे जो रिजोल्यूशन बने हैं उनके डेलीगेट्स भी अपने अपने पॉइंट्स को एस्टेब्लिश करते रहते हैं। नाउ द हाउस कैन ऑल्सो क्वेश्चन टू यू फॉर एनी पॉइंट्स दैट नीड्स टू बी क्लैरिफाइड। अगर किसी को लगे कि पॉइंट्स इंप्लीमेंटेशन करने में कोई भी एक दिक्कत है या फिर एक किसी भी एक पॉइंट को और क्लैरिफिकेशन चाहिए, सो नाउ द हाउस कैन आस्क टू क्लैरिफाई यू एंड डिस्क्राइब एनी ऑफ द पॉइंट्स यू मेड इन योर रिजोल्यूशन। एंड वन थिंग टू रिमेंबर, रिजोल्यूशन इज नॉट मेड बाय अ डेलीगेट, इट्स मेड बाय अ ग्रुप ऑफ डेलीगेट। मतलब आप बहुत सारे कंट्रीज मिलकर एक साथ आके अपने अपने पॉइंट्स के हिसाब से, अपने अपने कंट्रीज के पॉलिसीज के हिसाब से आप रिजोल्यूशन बनाते हो, अपने पॉइंट्स को रखते हो। ये एक सिंगल डेलीगेट का काम नहीं होता, ये एक ग्रुप का काम होता है। सो उसके बाद हर रिजोल्यूशन पे वोटिंग होता है कि कौन कौन चाहते हैं कि रिजोल्यूशन नंबर 1 पास हो,
देयर इज योर प्लैक कार्ड, देन देयर इज आल्सो वोटिंग फॉर रिजोल्यूशन नंबर 2। ये कौन कौन चाहते हैं कि रिजोल्यूशन नंबर 2 पास हो तो वो वोट करे, फिर वो भी वोट करते हैं, और फिर जो चाहते हैं रिजोल्यूशन नंबर 3 पास हो वो वोट करे, फिर वो भी वोट करते हैं। उसके बाद 2 या 3 रिजोल्यूशन में जो भी रिजोल्यूशन को मैक्सिमम वोट मिलते हैं वो रिजोल्यूशन पास हो जाता है। So, ये थी मन की पूरी कहानी। इसके बाद अब कुछ कुछ पॉइंट्स रह गए हैं जैसे कि राउंड रॉबिन या फिर और भी छोटे छोटे पॉइंट्स जो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और एक और छोटा सा पॉइंट रह गया था, चलो मैं इस वीडियो में बता देता हूँ कि व्हेन यू सपोर्ट अ डेलीगेट, अगर आप किसी भी एक डेलीगेट को सपोर्ट करते हो, अगर आपको कोई डेलीगेट कोई पॉइंट कहता है जो आपको ही पसंद आए, अगर आपके कंट्रीज के हिसाब से वो पॉइंट सही है, उस डेलीगेट का पॉइंट आपके कंट्रीज के पॉलिसीज के साथ भी मैच करता है और फिर उसने एक अच्छा पॉइंट कहा है, तो आप उसके अप्रिशिएट करने के लिए, उस डेलीगेट को सपोर्ट दिखाने के लिए आप सब डेलीगेट जो सपोर्ट करते हो अपने बेंच को बजा सकते हो। जैसे पार्लियामेंट में टेबल क्लैप होता है वैसे ही आप टेबल क्लैप करके उस डेलीगेट को सपोर्ट दिखा सकते हो। सो अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया या फिर कोई भी एक पॉइंट पर क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, सो यू कैन रेज अ पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन द कमेंट सेक्शन। तो ये था मन की बात एपिसोड नंबर 2, और क्योंकि एक सीरीज चल रहा है मन की बात, सो यू कैन सब्सक्राइब टू अवर चैनल टू गेट नोटिफाइड अबाउट फर्दर वीडियोस। और ये सीरीज खत्म हो जाने के बाद अगर आपको लगे कि हमारा कंटेंट इतना अच्छा नहीं था, सो देन यू कैन अनसब्सक्राइब टू अवर चैनल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मन एकदम मक्खन जैसी चीज है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, तो बिल्कुल मत घबराना। तुम्हें कोई एटम बम डिफ्यूज नहीं करना है, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना है। सो डोंट फियर, डोंट गेट नर्वस, एकदम नर्वस नहीं होना है, एकदम खुल के जीना है। सो बी कॉन्फिडेंट एंड जस्ट ऑल द वेरी बेस्ट।